सो गुड मॉर्निंग। और आज है 30 जनवरी। सो हमारा है 30 जनवरी के करंट अफेयर के पहला क्वेश्चन में है कि हाल ही में भारतीय बैंक संघ के सीईओ कौन बने हैं। सो हाल ही में भारतीय बैंक संघ के नए सीईओ अपॉइंट किए गए हैं जो है सुनील मेहता, जिन्हें आप यहीं देख रहे हो। और आपको ख्याल ही होगा कि हाल ही में चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी को SBI के नए MD मैनेजर डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और रजनीश कुमार SBI के अध्यक्ष तो है ही। और ऑप्शन डी को क्या है, अतनु कुमार दास, हमने हाल ही में पढ़ा था कि बैंक ऑफ इंडिया के नए MD CEO नियुक्त किए हैं। तो इस प्रश्न से इतना आपको याद रखना है, बढ़ते ही आगे। फिर है हाल ही में जारी सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्माता देश कौन सा बन गया है। तो दूसरा सबसे बड़ा कोई देश है तो चाइना बन गया है। तो चाइना दूसरे नंबर पर है, तो पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर USA है, आपको याद रखना है। चाइना की बात आई तो ये रहा मैप में चाइना, कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनपिंग और प्रेसिडेंट है जिनपिंग, आपको याद रखना है। और सिप्री का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, ये जरा आप देख लीजिए। बढ़ते हैं आगे। फील है ब्रिटेन के द्वारा जारी ब्रेक्जिट स्मारक सिक्का कितने का है। सो हाल ही में ब्रिटेन ने जारी किया है 50 पेस का। तो ये 50 पेस यानी कि एक पाउंड का आधा, उसे 50 पेस कहते हैं। जिस तरह से हमारे इंडिया में एक रुपये का सिक्के का आधा यानी कि 50 पैसा होता है, उसी तरह एक पाउंड का 50 पेस होता है, ये आपको याद रखना है। सो हाल ही में 31 जनवरी को यूरोप संघ से ब्रिटेन अलग हो रहा है, इसके लिए इस 50 पेस का निर्माण किया गया है। सो यूरोपियन संघ में कुल 28 देश थे, पर अब एक निकलने के बाद अब 27 बचेंगे, ये आपको याद रखना है। सो बढ़ते हैं आगे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं आपको बता देता हूँ कि इंग्लैंड ब्रिटेन कहाँ है, ब्रिटेन तो नॉर्थन आइलैंड नहीं आएगा। मैंने आपको कई बार बताया है कि सिर्फ अगर ब्रिटेन कहा जाए तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स आता है, और अगर यूनाइटेड किंगडम पूछा जाए तो उसमें नॉर्थन आइलैंड को भी सम्मानित किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। फिर है किसे फ्रांस सरकार द्वारा किंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ द 8 लेटर्स से सम्मानित किया जाएगा। तो हमारा जवाब है संजना कपूर को। सो संजना कपूर ए शशि कपूर की बेटी है। और यहाँ पर ऑप्शन बी ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कौन है ये, तो ये संगीत कला निधि पुरस्कार जीतने वाली महिला है, और इनके साथ एक और कला निधि पुरस्कार होता है नृत्य कला निधि पुरस्कार, वो किसने जीता है, तो प्रिया दर्शनी गोविंद ने जीता है, ये भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में गणतंत्र दिवस 2020 के परेड में किस राज्य की झांसी को प्रथम पुरस्कार मिला है। तो 2020 के परेड में प्रथम पुरस्कार मिला है असम को। सो ये हमारा कितनावां गणतंत्र दिवस था, तो ये 71 नंबर का गणतंत्र दिवस हमारा था, रिपब्लिक डे था, ये आपको याद रखना है। सो प्रथम नंबर पर असम है, तो दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और थर्ड नंबर पर ओडिशा रहा है, ये आपको याद रखना है। सो बढ़ते हैं आगे। फिर है भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्ध पोत्र को सेना में शामिल किया जाएगा। तो जवाब है INS करवर्ती को शामिल किया जाएगा। तो INS करवर्ती ये एक रडार के पकड़ में ना आने वाली बोट है, ये आपको याद रखना है। सो बात हुई है नेवी की, तो नेवी के प्रमुख कौन है, कबीर सिंह है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के किस केंद्र शासित प्रदेश को 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। तो हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री है अर्जुन मुंडा, जो भी हाल ही में बहुत चर्चित है क्योंकि उन्हें AAI
का अध्यक्ष बनाया गया है और इन्होंने अभी लद्दाख को हमारा जॉब होगा लद्दाख को 26वीं अनुसूची में शामिल किए जाने का प्रस्ताव रखा है। तो ये 6वीं अनुसूची है क्या? तो इसमें जो भी राज्य को डाला जाता है वो सर्वशासन बल दिया जाता है, को खुद का कॉन्स्टिट्यूशन खुद का रूल लगा सकते हैं। तो अभी इसमें कोई राज्य है तो हाजी हाँ है, कौन से तो असम है, मिजोरम है, मेघालय है और त्रिपुरा है, ये आपको याद रखना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करो, जैसे हमने ऐसा ही मोटिवेशन मिलता रहे आपसे। सो थैंक यू।